जैसे देश बन गए, उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है, और टीस और खुन्नस के कारण काफ़ी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जो घमासान मचा, शायद दूसरे लिस्ट आने के बाद भी थमा नहीं है। चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया, उसके बाद मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने से उनके समर्थक आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि चित्तौड़गढ़ में राजवी को एडजस्ट करने के लिए चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा गया। आक्या दो बार इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। आक्या का आरोप है कि आपसी खुन्नस में सीपी जोशी ने उनका टिकट काट दिया। जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था, और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं, और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है, और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है, और इस टीस और खुन्नस के कारण काफ़ी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे, और आज उन्होंने मेरे टिकट को काट कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी का अपने ही गृह जिले में विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरे लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा, उसके बाद आक्या के समर्थक विधायक कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए। इसके बाद उन्होंने राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सीपी जोशी अब अपने ही घर में घिरते हुए दिख रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को लेकर कहा जा रहा है कि वो तीसरी बार भी आसानी से जीत सकते थे। चंद्रभान वसुंधरा राजे समर्थक है, वहीं सीपी जोशी के वो विरोधी गुट के हैं। गौरतलब है कि चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से ही आते हैं। सीपी जोशी और आक्या चित्तौड़गढ़ के भदेसर इलाके के रहने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिले की राजनीति में दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं। आक्या का टिकट कटने को लेकर सीपी जोशी के खिलाफ उनके समर्थकों में गुस्सा है। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में आवाज बुलंद की गई है, राजवी का विरोध हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का एक तरह से पहली बार खुलकर विरोध हो रहा है। जब विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा तो वहां भी बगावत देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया, ऐसे में क्या बीजेपी आक्या को भी तीसरी लिस्ट में जगह देकर एडजस्ट करेगी? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट।